देश का युवा पीढ़ी ये ऐलान करेगा कि सीएए नहीं चाहिए, एनआरसी नहीं चाहिए, एनपीआर नहीं चाहिए, एफडीआई इन एजुकेशन नहीं चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए। देश में ऐसी एक सरकार आई है जो जनता को समझाना चाहती है कि गोमूत्र में सोना निकलता है और गोबर से सारी जो है बीमारी वो ठीक हो जाती है। ये देश जितना, इस देश के लोग जितना अंधविश्वास में यकीन रखेंगे उतना ही भाजपा का सरकार आरएसएस जैसा ताकत इस देश के मिट्टी में जिंदा रह पाएगा। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और दूसरे अदानी और अंबानी, उन सब लोगों को सब चंगासी, हम सब के लिए सब नंगासी। युवा पीढ़ी को पढ़ने लिखने से महरूम रखा गया था। मोदी सरकार ने तय किया कि गुलामी के उसी इतिहास में वापस जाना है और एक आजाद देश के नौजवान पीढ़ी को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई से दूर रखना है। साइंटिफिक नॉलेज, सच्चाई, रीजन, ये सारी चीजों से दूर रखना है, क्योंकि देश में ऐसी एक सरकार आई है जो जनता को समझाना चाहती है कि गोमूत्र में सोना निकलता है और गोबर से सारी जो है बीमारी वो ठीक हो जाती है। ये देश जितना, इस देश के लोग जितना अंधविश्वास में यकीन रखेंगे उतना ही भाजपा का सरकार आरएसएस जैसा ताकत इस देश के मिट्टी में जिंदा रह पाएगा। और इसीलिए 2014 से हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा दुश्मन, जितने बड़े दुश्मन इनके हैं उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में उन्होंने तय किया कि छात्र हैं। वो छात्र, वो नौजवान जो अपने गांव से, अपने छोटे शहरों से बहुत मेहनत के बाद किसी विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, वो पढ़ लिख कैसे रहे हैं, वो सच जान कैसे रहे हैं, वो सच्चाई बोल कैसे रहे हैं और देश के जनता के लिए सवाल उठा कैसे रहे हैं। ये जो काम छात्र कर दे रहे तब उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। और इसीलिए हर साल बजट आती है और ये बात कहते कहते हम थक गए हैं कि आजाद भारत में शिक्षा में सबसे कम खर्च किया इस बार के बजट में। पिछले बार भी हमने ये बात कहा था और इस बार भी बजट में शिक्षा के लिए जितना खर्च किया गया उसका हिस्सा और घटा दिया गया है। आजादी के 73 साल बाद एक देश की सरकार ने तय किया कि बजट में लोगों के, इस देश के आने वाली पीढ़ी के पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया ही नहीं जाएगा। निर्मला सीतारमण अपने बजट स्पीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो जिक्र करती हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तक यूनियन कैबिनेट से पारित भी नहीं हुआ है। ऐसा एक एजुकेशन पॉलिसी, आप सोचिए, शिक्षा नीति के नाम पे ये नीति आ रहा है। और ये शिक्षा नीति कहती है कि देश में सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस का संख्या बड़ा ज्यादा हो गया है, सरकारी स्कूलों को बंद करना होगा, सरकारी कॉलेजेस को बंद करना होगा। वो कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या में हो गया है। ये लोग किस देश में जीते हैं हमको सच में नहीं पता। इस देश के आम जनता को, आम आवाम का चेहरा भी ये लोग देखते हैं कि नहीं, हमको नहीं पता। अभी भी हम किसी भी सड़क से चलते हैं, किसी भी रेड लाइट में हम देखते हैं, जहाँ पे सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि इस देश के गरीब बच्चे जिनको स्कूलों में होनी चाहिए थी वो इस सर्दी में नंगे बदन वो पेन बेचते हैं, आपको फूल बेचते हैं या तिरंगा बेचते हैं, उनको स्कूलों में होनी चाहिए थी। सरकार को ये गारंटी करनी थी कि हर एक मोहल्ले में ऐसा स्कूल खुले जिस स्कूल में चाहे वो नेता का बच्चा हो चाहे वो मजदूर का बच्चा हो एक ही स्कूल में जाए, तब आने वाले दिनों में एक मजबूत, एक सशक्त देश का हम कल्पना कर सकते थे। और शिक्षा नीति आ रही है जो कह रही है कि स्कूलों का संख्या ज्यादा हो गया, कॉलेज का संख्या ज्यादा हो गया, इनको बंद करो और उनके जगह क्या लाओ, उनके जगह लाओ, ये लोग एक नया टर्म लाए हैं लिबरल आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स के लिए ये लोग यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन्स में जो कॉलेजेस हैं जहां पे कोई किसान घर का बच्चा, महिलाएं, जो लड़कियां हैं वो कोई ग्रेजुएशन का डिग्री पाने का सपना भी देखते, अगर
अगर उसके मोहल्ले में उसके शहर में कोई कॉलेज होता है उन कॉलेजेस को बंद किया जाएगा और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलने के नाम पे लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के नाम पे ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलाएंगे। बजट में कहा जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बुला के यहाँ पे यूनिवर्सिटीज खोले जाएगी। सोच लीजिए एक आजाद देश में हम क्या पढ़ेंगे ये विदेशी पूंजीपति तय करेंगे। ठीक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आया था राज करने, उसको अपना कंपनी राज चलाना था तो उसी मुताबिक शिक्षा देता था। उनका कंपनी चलाने के लिए, उनका राज चलाने के लिए भारत के लोगों को पढ़ाया जाता था। हमारे लोग देश के लोगों का काम क्या था, इस देश के नौजवानों का काम क्या था कि आप जो है उनके फाइलें संभालिए, अंग्रेजी हुकूमत का फाइलें संभालिए, उनके लिए आप सस्ता मजदूर बन जाइए। और एक आजाद मुल्क में 73 साल बाद इस देश के नौजवानों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा स्कूल बंद कर देंगे, तुम्हारा कॉलेज बंद कर देंगे, दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाएंगे, वो हमारे लिए कॉलेजेस खोलेगी। हम क्या पढ़ेंगे ये विदेशी पूंजीपति तय करेंगे और उनके लिए हम सस्ते में खटते रह जाएं। हमारे देश में कैसा शिक्षा चाहिए ये इस देश के लोग तय करेंगे। इस देश के गरीब घरों से आए हुए, मजदूर घरों से आए हुए लोग तय करेंगे, कोई विदेशी पूंजीपति तय नहीं करेगा। ये है इस बार जो बजट में शिक्षा के लिए दिया गया है। ये लोग स्कूल बंद करना चाहते हैं, कॉलेज बंद करना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा नीति ला रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज को तबाह करके, सोच लीजिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग मीडिया के साथ ही पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन बहुत ही, जो पूरा इसका समीकरण है ये एकदम साफ है, ये सरकार नहीं है। मैं इस मंच से कहना चाहूंगी ये कमीशन खोर है, ये दलाल है, ये कुछ लोगों का दलाली करते हैं। किसका दलाली कर रहे हैं? आपका स्कूल बंद होगा, आपका कॉलेज बंद होगा, मुकेश अंबानी का जियो चलेगा, विदेशी पूंजीपतियों का दुकान चलेगा, आपका LIC बंद होगा, आपका MTNL बंद होगा, आपका एयर इंडिया बंद होगा, सारे सरकारी कंपनियां बंद होंगी, सारे सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों के हाथों सौंप दिया जाएगा और निजी कंपनियों का जो मुनाफा बढ़ेगा उससे उसका कमीशन का एक हिस्सा बीजेपी पार्टी फंड में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से घुसेगा और घुस रहा है। जो विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे बीजेपी चंदा ले रहा है। तो ये सरकार नहीं है, ये दलाल है, ये कमीशन खोर है, ये जन विरोधी है। और देश के छात्र, देश के युवा ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मानते हैं, ना इस बजट को मानते हैं। और इसी मन से मैं आप सारे साथियों को ये कहना चाहूंगी कि देश के छात्र, देश के युवा जब अपनी शिक्षा और रोजगार के लिए लड़ रहे हैं उसी वक्त CAA, NRC, NPR के खिलाफ भी वो सड़कों पे निकले हुए हैं। देश के तमाम सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में देश के सड़कों पे जहां जहां शाहीन बाग के जैसा सत्याग्रह चला वहां पे देश के छात्र युवा है। आने वाले 3 मार्च को, एक महीने से भी कम समय है, 80 से ज्यादा छात्र संगठन, युवा संगठन, यूनियन, कॉलेज के मूवमेंट के लोग एक ही मंच में आए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में आए हैं। उसका नाम है यंग इंडिया अगेंस्ट CAA, NRC, NPR। आने वाले 3 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश का युवा पीढ़ी ये ऐलान करेगा कि CAA नहीं चाहिए, NRC नहीं चाहिए, NPR नहीं चाहिए, FDI इन एजुकेशन नहीं चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए। हमको कुछ चाहिए तो बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा में चाहिए। हमको कुछ चाहिए तो जो जो चाइल्ड लेबर, जो जो मजदूर, जो चाइल्ड लेबर देश के तमाम सारे दुकानों में, कारखानों में काम कर रहे हैं, वो बच्चे स्कूलों में चाहिए, वो बच्चे विश्वविद्यालय में चाहिए और वो बच्चे आने वाले दिनों में देश में डॉक्टर के बतौर चाहिए, प्रोफेसर के बतौर चाहिए। ये ऐलान करने के लिए आने वाले 3 मार्च को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा जो है यंग इंडिया का मार्च है। तो आप सारे लोगों से गुजारिश की उसमें भी आप लोग मदद कीजिएगा। देश में 4 गुजरातियों को बहुत ऐसे कह सकते हैं कि सब चंगा सी, 2 हमारे पार्लियामेंट में है, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, और दूसरे अदानी और अंबानी, उन सब लोगों को सब चंगा सी।
हम सब के लिए सब नंगासी किसी के लिए कुछ नहीं हुआ है इस बजट में. आपको याद होगा हमारे यूपीए के समय में हम बहुत प्राइड से बोलते हैं 10 साल में 14 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से हम उठाए. पर आजकल एक रिपोर्ट आया था नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से कि बोला उस रिपोर्ट में प्रकट किए कि कंजम्पशन फॉल गिर रहा है. लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और खाने के लिए पैसा नहीं है. सो जो मेल न्यूट्रिशन की जिसके खिलाफ हम बहुत साल से काम कर रहे हैं वो बढ़ रहा है. और ये परिणाम किसको हो रहा है? हमारे गरीब लोगों के लिए हो रहा है, ग्रामांतर प्रदेश में हो रहा है. और इस बजट में उसके बारे में कुछ नहीं है. जैसे योगेंद्र भाई बोले थे वो 16 पॉइंट्स जो है ग्रामांतर प्रदेश के लिए वो सब झूठ है.